ओए मुन्ना, मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? इतना धुंध कैसे आ गई यहाँ पर? अरे भैया, ये ज़ॉम्बी बहुत चालाक है। इस बार इन्होंने फॉग का सहारा लिया है। हमें संभल कर खेलना होगा। ओए मुन्ना, अब ये ज़ॉम्बी ये फॉग कहाँ से ले आए? हमने इन्हें जमीन और पानी दोनों में हराया है, अब ये फॉग का सहारा ले रहे हैं। हाँ भैया, ठंडी के दिनों में रात में फॉग जम जाती है। ये ज़ॉम्बी उन्हीं का फायदा उठा रहे हैं भैया। और जब हम कुछ देख ही नहीं पाएंगे तो खेलेंगे कैसे? भैया, ये फॉग पूरी तरीके से नहीं जमा होगा, बल्कि आधे गार्डन पर जमा होगा भैया। हम उन्हें आधी दूर तक तो आते हुए देख भी नहीं पाएंगे। ओ, ये क्रेजी डे फिर से आ गया। मालूम है तूने क्या कहा है। तू यही कह रहा है ना कि अब इस बार वो फॉग से आएंगे, वो हमें पहले से पता है। ओ, ये नया ज़ॉम्बी कौन सा है? इसके हाथ में कौन सा खिलौना है? मुझे तो बड़ा खतरनाक लगता है। अरे भैया, खेलने में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, पहले प्लांट्स ले लीजिए। पहले अब ये नाइट वाला है तो अब आपको मशरूम लेने होंगे भैया। सिंपल प्लांट से काम नहीं चलेगा। पर इस बार आपको एक स्पेशल प्लांट मिला है भैया, जो कि पानी में लग जाता है। इसके लिए आपको लीली पैड की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये जीरो सन का होता है, जैसे कि अपना मशरूम है ना, जो कि जमीन में लगता है ना भैया, इसी तरीके से ये पानी में लगता है। इसके अलावा वॉलनट लगेगा। और देखते हैं भैया कौन सा प्लांट बाकी है। मेरे ख्याल से ये वाला ले लीजिए, वॉलनट काफी काम आएगा भैया। मेरे ख्याल से जंप लेने वाला तो कोई ज़ॉम्बी मुझे दिख नहीं रहा। इसके बजाय हम दूसरे प्लांट लेते हैं भैया। मेरे ख्याल से इसे ले लेते हैं, ये काम का प्लांट है भैया। चलिए अब खेलना चालू करते हैं। ओए फॉग आ गई देख, अरे ये तो आधे मैप में आ गई, यानी हमारा आधा गार्डन तो इसी से घिरा हुआ है। अब हम ज़ॉम्बियों को आते हुए कैसे देख पाएंगे? यही तो बात है भैया। तो आपको जल्दी जल्दी काम करना होगा। पहले एक काम करते हैं, हम सनस्क्रीन लगाते जाते हैं और साथ ही साथ इसे भी लगाते जाते हैं भैया। जैसे ही ज़ॉम्बी आएंगे वो ये अटैक करना चालू कर देगा। पर हमको हर जगह लगाने होंगे भैया, हमको नहीं पता ज़ॉम्बी कहाँ से आ रहे हैं, इसलिए हर रूम में एक लगाने होंगे। और जैसे ही वाला ये पानी वाला एक्टिवेट होगा, उसे पानी में लगाते जाएंगे भैया। ओए ठीक है, पहले ये सनस्क्रीन को लगाते हैं। मुझे लगता है कि एक लेयर से काम चल जाना चाहिए, उसके दो रो नहीं लगाएंगे हम। ठीक है भैया। इसे आप पानी में लगा दीजिए। देखिए ये भी बड़े काम का प्लांट है भैया। पानी में अटैक करना चालू करता है। ओए मुन्ना, बाद में हमें फॉक्स से लड़ने के लिए कुछ स्पेशल प्लांट तो मिलेंगे ना? हाँ भैया, इसके लिए भी स्पेशल प्लांट्स है। घबराइए नहीं, वो आपको जैसे लेवल खत्म होगा वैसे ही मिलेंगे। ओए ठीक है, मैंने चार सनस्क्रीन लगा दिए, उसमें से थोड़े थोड़े मुझे सन मिलते जा रहे हैं। अब एक काम करता हूँ कि मैं इस लिली पैड के ऊपर एक और सनस्क्रीन को रख देता हूँ, और ये पानी वाला भी एक्टिव होता जा रहा है, इसे भी मैं आगे आगे लगाता जाता हूँ, ताकि पानी में भी हमारा डिफेंस मजबूत रहे। हाँ भैया, जितनी जल्दी हो सके आपको अपना डिफेंस अच्छा करना होगा। अब देखिए हर रूम में आपके सनस्क्रीन लग गए हैं, तो अभी सन से कोई उतनी दिक्कत तो होगी नहीं भैया। ओए वॉलनट एक्टिव हो गया है, इसे भी मैं सोच रहा हूँ लगा ही दूँ। बस मुझे थोड़ा पानी में डर लग रहा है, क्योंकि ये पानी वाला जो प्लांट है वो बहुत धीरे धीरे जनरेट हो रहा है, तो उतनी तेजी से हम उसे लगा नहीं पा रहे हैं। देख यहाँ ज़ॉम्बी आ रहा है, और हमारे पास तो काफी प्लांट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसे अटैक करके मार भी देंगे। ओए लेकिन ये छोटे छोटे पफशरूम कब तक ज़ॉम्बियों को रोक पाएंगे? हमें बड़ा प्लांट चाहिए। मुझे लगता है कि पीछे पीछे वाले रो में अब मुझे वो हेलमेट वाला लगा देना चाहिए। अरे भैया, अब तो ये कौन वाला आ रहा है भैया। जल्दी सा वॉलनट लगाइए। अरे बाप रे, बच गए भैया, वरना हो तो वो अटैक कर देता। ओए मुझे ये लेवल बहुत छोटा लगता है, इसमें केवल एक ही वेव आएगी। देखिए कि फ्लैग लगा हुआ है, और एक और कौन वाला वाला आ रहा है ऊपर से, उसके लिए भी कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हाँ भैया, वॉलनट तो एक्टिव हुआ नहीं है, तो आपको जितने हो सके उतने पफशरूम लगाने पड़ेंगे, ताकि ये उनसे मुकाबला कर सके भैया। ओए मेरे दो सनस्क्रीन बड़े भी हो गए, क्या बात है, तीसरा भी बड़ा हो गया, पर नीचे वाले ज़ॉम्बी ने मेरा पूरा वॉलनट खा लिया। पर आखिरकार वो मर गया भैया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा खेल रहे हैं। बस इन पफशरूम्स को आगे आगे लगाते जाइए, और जैसे जैसे वाटर वाला जनरेट हो रहा है वैसे उन्हें भी लगाते जाइए। ये देखिए एक नया ज़ॉम्बी आ गया। पर अच्छा है हमारे पफशरूम उनको संभाल ले रहे हैं। ओए अभी तक हमने ज्यादा कुछ किया नहीं है, और देख
प्रोग्रेस बार को कितना आगे पहुंच गया है। लगता है कि कभी भी ह्यूज वेव आ सकती है, तो हमको थोड़ी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। देख, एक और वॉलनट एक्टिवेट हो गया है, उसे भी लगा देते हैं। हाँ भैया, हमारे पास अब काफी सन भी इकट्ठा हो गया है, तो एक काम करते हैं, हम पीछे पीछे वाले पफ्स रूम को हटाकर ये बड़े वाले लगा देते हैं। भैया, ये इनका रेंज काफी दूर होता है, दूर से ही अटैक करना चालू कर देते हैं, तो जहाँ जहाँ भी पफ्स रूम है उनको हटा के इनको लगाते जाते हैं। ओए क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया प्लान लगता है। और यहाँ पर मैंने लिली पैड भी लगा दिए, जब भी मेरा वॉलनट एक्टिव होगा मैं यहाँ एक वॉलनट रख दूंगा। पहले जमीन पे रखिएगा भैया, पानी में बाद में रखिएगा। तो देखिए, काफी अच्छा अरेंजमेंट हो गया है भैया। ओए लेकिन अगर मुझे फॉग के उस पार अगर प्लांट लगाने हो तो मैं कैसे लगाऊंगा, जब मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तूने जो ईवीड वाला प्लांट लिया है उसको कैसे लगाएंगे जब दिखेगा ही नहीं तो। ओए मुन्ना, कोन हेड वाला जॉम्बी भी आ रहा है, वो भी पानी से। अरे हम उसे कैसे हरा पाएंगे, देख हमारे पास तो केवल 3 ही प्लांट है, कहीं उनको क्रॉस ना कर जाए। हाँ भैया, मैं भी वही देख रहा हूँ, कहीं वो हम उसको क्रॉस ना कर जाए। पर अच्छा हुआ उसके ऊपर अटैक हो रहा है, और अच्छा हुआ वो मर गया। पर हमने प्रिकॉशन के लिए वहाँ पर वॉलनट रख दिए हैं, तो एक चांस है कि हम बच जाएंगे भैया। ओए ह्यूज वेव आ गई, अब देख क्या हमारा ये प्लांट रोक पाता है या नहीं। वैसे तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि जॉम्बी कहाँ से आ रहे हैं और कितने हैं, फिर भी हमारे प्लांट्स अगर उसमें अटैक कर रहे हैं तो इसका मतलब सही होगा। मुझे लगता है कि आपका सेटअप बहुत अच्छा है भैया, आराम से सभी जॉम्बियों को झेल लेगा, चाहे फॉग हो या ना हो। ओए बच गए इस बार, और आगे भी बच जाएंगे मुझे लगता है, अगर अच्छे अच्छे प्लांट्स मिलते रहे तो। खैर मैं इन छोटे छोटे पफ्सों के बजाय ये बड़ा बड़ा लगाता जाता हूँ, ताकि वो उस पर अटैक करते रहे। लेकिन अब लगता है कि जमीन वाले सभी जॉम्बी मर गए हैं, केवल पानी वाले बाकी हैं। ओए देख ये भी मर गया, ये क्या मिला है, ये तो लैंप टाइप का लगता है, क्या ये फॉग लैंप है। हाँ भैया बिल्कुल सही कहा, इसका नाम है प्लैंटन, जो कि हमें फॉग में देखने में मदद करता है भैया। ओए इसी प्लांट की तो जरूरत थी, बढ़िया है ये प्लांट ले लेते हैं, बहुत काम का लगता है। लेकिन इस बार तो और खतरनाक जॉम्बी आने वाले हैं, ये देख ये स्पोर्ट्समैन वाला जॉम्बी है जो बहुत खतरनाक होता है। इसके लिए पहले हम सनशरूम रख लेते हैं, पफशरूम रख लेते हैं, उसके बाद ये प्लांटन रख लेते हैं, वॉलनट रख लेते हैं, और पानी वाला रख लेंगे, ये बड़ा वाला काम का है, पिछले बार हमने काम किया था इससे। लिली पैड भी रख लेते हैं। भैया हमें एक और स्लॉट की जरूरत है, तो उसे अगले बार खरीदेंगे भैया। ये बगल में जो शॉप का बटन है उसमें जाकर हम क्रेजी डेव से एक और स्लॉट ले सकते हैं, जिसके लिए केवल 5,000 कॉइन लगेंगे भैया जो हमारे पास हैं। ओए ठीक है, उसको अगले बार ले लेंगे, अभी तो खेलना चालू करते हैं। तो पिछले बार वाली सेम स्ट्रेटेजी अपनाएंगे अपन, कि पहले ये सनशरूम को लगाएंगे और पफशरूम को आगे आगे लगाते जाएंगे, उसके बाद अगर हमारे पास बचा तो फिर उसके बाद हम ये लिली पैड लगाकर इसके ऊपर भी सनशरूम लगाएंगे, और जैसे जैसे ये पानी वाला एक्टिवेट होता जाएगा उसे पानी में भी लगाते जाएंगे। देखिए भैया, ज़ॉम्बियों का अटैक चालू भी हो गया, और ये स्टेज पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक है भैया, क्योंकि इसमें 2 ह्यूज वेव आने वाले हैं, यानी कि 2 फ्लैग है भैया इसमें। तो मुझे लगता है कि ये लेवल थोड़ा लंबा भी चलेगा। ओए मुन्ना, तूने एक बात गौर की, पिछले वाले लेवल में फॉग की जो रेंज थी वो कम थी, अभी इसने तो लगभग आधा गार्डन घेर लिया है। हाँ भैया, जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ेगा ये और टफ होता जाएगा भैया, तरह तरह के ज़ॉम्बी आएंगे, पर फॉग का लेवल इतना ही तक रहेगा भैया, इससे आगे नहीं बढ़ने वाला। ओए ये सुन के अच्छा लगा, अब इस फॉग लैंप का यूज करते हैं, देखते हैं कि क्या कमाल दिखाता है इसे। लेकिन पहले हम पूरे सनशरूम को रख लेते हैं, ताकि हमें सन मिलता रहे, और ये अच्छा है कि इसका दाम बहुत कम है, केवल 25 सन है, तो हम जितने चाहे से यूज कर सकते हैं। यूज तो कर सकते हैं भैया, लेकिन ये काफी वल्नरेबल है, यानी कि ज़ॉम्बी इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आपको इसको प्रोटेक्ट करके रखना होगा भैया, ताकि इसे कोई तोड़ ना सके ना इसे खा सके। इसे वॉलनट के पीछे लगाना चाहिए भैया, ताकि आपको लाइट भी मिलती रहे और इसे कोई नुकसान भी ना पहुंचा सके। ओए ठीक है, इसे बाद में लगाऊंगा, अभी तो ज़ॉम्बी आते जा रहे हैं, उनसे पहले निपटना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, आगे आगे इन छोटे छोटे पफ्स रूम को लगा देता हूँ, और अभी से
पीछे में ये बड़े बड़े वाले श्रूम्स को लगा देता हूँ ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना जाए, और वॉलनट जैसे जैसे एक्टिवेट होंगे हम उन्हें वैसे वैसे लगाते जाएंगे। वाह भैया, अभी तक तो सेटअप काफ़ी अच्छा है भैया। आपका एक जो शूम है वो बड़ा भी हो गया है, तो आपको सन मिलते जाएंगे भैया। देखिए 150 तो आपके पास सन ऐसा ही है। वाह भैया, आपने दो वॉलनट भी लगा दिए, बहुत बढ़िया। और पानी में जैसे जैसे आपके एक्टिवेट होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप इन्हें पानी वाले भी लगाते जा रहे हैं, ये भी बढ़िया है भैया। बहुत अच्छे। ओए जो बड़े वाले मशरूम हैं हेलमेट वाले, उन्हें दूर से ही पता चल जाता है कि ज़ॉम्बी आ रहे हैं। ये अच्छा है कि ये फॉग के उस पार देख सकते हैं पर हम नहीं देख सकते। हाँ भैया ये तो है। देखिए आप हर रूम में दो दो लगा दीजिए, और जैसे जैसे आपके वॉलनट एक्टिवेट होते जा रहे हैं उन्हें भी लगाते जाइए। ओए मुझे लगता है कि पहली ह्यूज वेव कभी भी आ सकती है, तो उसके लिए तैयारी रखनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये जो फॉग वाला है उसे हम यूज कर सकते हैं अभी। रुकिए भैया, पहले अपना डिफेंस तो तगड़ा कर लीजिए, उसके बाद आप लगाते रहिएगा। देखिए पानी में आपने अभी भी कोई वॉलनट नहीं लगाए हैं, वहाँ भी आपको लगाना होगा, और शायद जमीन में भी एक रो में आपका वॉलनट बाकी है भैया, उसे भी देखिए। ओए अच्छा याद दिलाया, इसे यहीं रख देता हूँ। तो अब एक काम करता हूँ, लीली पैड यहाँ रखता हूँ, जब भी वॉलनट एक्टिव होगा उसे वहाँ लगा दूंगा। तो कब यूज करूँ मुन्ना फॉग का मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस भैया आपका सेटअप काफ़ी अच्छा हो गया है, आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास काफ़ी सन भी इकट्ठा हो गए हैं, अभी 210 सन हो गए हैं भैया, क्या बात है। ओए मैं सोच रहा हूँ इन्हें आगे आगे लगाता जाता हूँ, मुझे डर है केवल उस स्पॉट ज़ॉम्बी का, वो कभी भी आ जाए तो दिक्कत बहुत होगी। और देख पानी में मैंने एक वॉलनट तो लगा ही दिया है, अब हम पानी में थोड़े सेफ हैं, और पानी में लगभग हर रो में मेरे ये एक्वा वाले प्लांट लग गए हैं। अरे भैया आपके पास तो कॉइन भी 12,000 हो चुके हैं, ये बढ़िया है, आप एक स्लॉट ले सकते हैं। अगले लेवल स्टार्ट होने पर हम एक स्लॉट ले लेंगे। देखिए फॉग लैंप का असर देखिए भैया, आप एकदम क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है। ओ ये तो बहुत गजब का प्लांट है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया। अब दूसरे साइड भी लगाता हूँ मैं इसे, ताकि दूसरे साइड का भी व्यू समझ में आ जाए, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे जनरेट हो रहा है। पर भैया आपने जहाँ पर उसे लगाया है उसे कोई प्रोडक्शन नहीं मिल रही है, कोई भी ज़ॉम्बी आकर उसे खा लेगा भैया। ओए देखता हूँ उसके लिए, अभी मुझे तो दूसरे साइड भी इसे लगाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि दूसरे साइड का क्या है। ये देख दूसरे साइड भी लगा दिया, अब एकदम क्लियर व्यू है, क्या बात है, बहुत बढ़िया प्लांट है ये। हमने पहला वेव तो बहुत आसानी से क्रॉस कर लिया, क्या बात है, अभी दूसरे वेव की बारी है। अभी एक काम करता हूँ, इन प्लांट्स को और आगे आगे लगाता जाता हूँ, ताकि ये दूर से ही इन पर अटैक करना चालू करें, वरना पॉप्स रूम तो अटैक ही नहीं करेंगे। पानी में भी वही दिक्कत है, पानी में मुझे लॉन्ग रेंज का कोई अच्छा प्लांट चाहिए। ओह अरे उस ज़ॉम्बी ने तो मेरा ये लैंप वाला खा लिया, अब वापस से वापस फॉग आ गया। अरे बाप रे ये तो खाता ही जा रहा है। अब भैया जो पफशूम बाकी है उन्हें आगे आगे लगाते जाइए, वो ज़ॉम्बियों पर अटैक करना चालू करेंगे और ज़ॉम्बी जल्दी मर जाएंगे भैया। बहुत सही प्लान है भैया, अच्छा चल रहा है। अब इन्हें एक्वा वाले प्लांट को भी ऐसे ही पानी में लगाते जाइए, ताकि वो दूर से ही उन पर अटैक करना चालू कर दे, क्योंकि ये भी शॉर्ट रेंज है भैया, ये ज़्यादा दूर तक अपना अटैक नहीं कर सकते भैया, तो आपको कुछ सोचना ही पड़ेगा इनके लिए। ओए मुझे लगती है कि सेकेंड ह्यूज वेव आने वाली है, तो उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। बस वो स्पॉट ज़ॉम्बी ना आ जाए, मुझे उसी से बस खतरा है, और बाकी पशुओं तो मैं आगे लगता ही जा रहा हूँ, ताकि मुझे दिक्कत ना हो। हाँ भैया बिल्कुल सही प्लान है, बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए स्पॉट ज़ॉम्बी का नाम लिया और स्पॉट ज़ॉम्बी हाजिर भैया, देखिए फिर से उसे खा लेगा उस प्लांट को, और फिर से अंधेरा हो जाएगा भैया, यानी कि फॉग हो जाएगा। देखिए बड़ा गंदा ज़ॉम्बी है, और जल्दी मरता भी नहीं है भैया, देखिए कितने देर से उस पर अटैक किए पड़े हैं, लेकिन उसका हेलमेट गिरने का नाम नहीं ले रहा है भैया, और वो ऐसे में तो हमारे पूरे वॉलनट खा जाएगा। ओए मुन्ना अब ह्यूज वेव कभी भी आ सकती है, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैंने जितने भी क्रैक्ड वॉलनट थे उनको चेंज कर दिया है, और ये फॉग लैंप भी लगा दिया है, तो अब लगता है कि हम तैयार हैं। हाँ भैया देखते हैं कि आगे क्या होगा। देखिए ह्यूज वेव तैयार हो गई, जल्दी जल्दी आ रहे हैं, और ये भैया अटैक करिए, अटैक करते रहिए।
ओए मैं कहाँ से अटैक करूंगा, अटैक तो प्लांट करेंगे, वो भी हमने लगा के रखे हुए हैं, पर ये ज़ॉम्बी उन्हें खाते जा रहे हैं। बस ये ह्यूज वेव सरवाइव कर जाए। देख ये स्पोर्ट्स वाला ज़ॉम्बी फिर से आ गया और हमारे वॉलनट को खा रहा है। बस भैया इस ह्यूज वेव को तो हमने आसानी से क्रॉस कर लिया, क्या बात है, और इस लेवल को भी हम आराम से जीत जाएंगे। भैया देखिए ये आखिरी ज़ॉम्बी है, इसे खत्म होगा उसके बाद ये लेवल खत्म हो जाएगा। ओए क्या बात है, मजा आ गया। अरे ये नया प्लांट मिला है, ये तो कुछ कैक्टस टाइप का लग रहा है। हाँ भैया ये कैक्टस ही है, इसका नाम है कैक्टस, और ये जो बलून वाले ज़ॉम्बी होते हैं उनको शूट करता है। इसकी खासियत ये होती है भैया कि अपना हाइट ऊंचा करके भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी कर सकता है। तो एक काम कर लेते हैं भैया, एक स्लॉट खरीद लेते हैं जो कि 5000 कॉइंस का आएगा। तो हमने एक स्लॉट खरीद लिया, क्या बात है, अभी हमारा काम हो गया। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और अगले लेवल पे चलते हैं भैया, जो कि लेवल 3 है। ओए तूने सही कहा, एक तो बलून वाला ज़ॉम्बी भी है। अरे ये बलून से उड़ता जाएगा, हर प्लांट के ऊपर से उड़ जाएगा, तो हम कैसे करेंगे भैया? इसके लिए आपको कैक्टस को रखना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। एक स्लॉट आपके पास अलग से आ चुका है, तो अब एक अलग प्लांट को रख लीजिए भैया। मुझे लगता है ये वीड को रखना ठीक रहेगा, रख लीजिए इसको। ओए मुझे भी ये ठीक लग रहा है, तो इसको लेके अब कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इस लेवल को कैसे क्रॉस करना है। मुझे नहीं लगता हमें कोई दिक्कत आएगी, बस हमें जैसा खेल रहे हैं वैसे खेलते रहना है। तो पहले सनश्रूम लगाएंगे, फिर पपश्रूम लगाएंगे, फिर वेट करेंगे जब तक सनश्रूम एक्टिवेट नहीं हो जाता, फिर दूसरा सनश्रूम लगाएंगे, फिर उसके बाद पपश्रूम लगाएंगे। बस ऐसे ही करना है हमें, पहले इंश्योर करना है हर रो में कम से कम एक पपश्रूम तो लगी जाए और सनश्रूम उसके पीछे पीछे। उसके बाद पानी में भी लिली पैड लगा कर हम सनश्रूम लगा देंगे, और पानी में ये छोटे छोटे जो एक्वा वाले प्लांट हैं उनको भी लगा देंगे। बस बढ़िया है मुन्ना। हाँ भैया ये लेवल तो थोड़ा इजी है, क्योंकि इसमें केवल एक ही जो ज़ॉम्बी की वेव है वो आएंगी। देखिए एक ही फ्लैग लगा हुआ है और ये ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए भैया। ओए मुझे भी लगता है, अब इस कैक्टस वाले प्लांट को एक बार यूज़ करके देखूंगा, लेकिन इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 125 सन है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और तो और भैया इसको पानी में भी लगा सकता है। आप एक काम कीजिएगा, लिली पैड के ऊपर इसे रख दीजिएगा, तो आपका लॉन्ग रेंज वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा भैया। ओए ठीक है देख लूंगा, अभी तो मुझे पहले बेसिक काम करना है, यानी कि सबके सब सनश्रूम को लगा देना है ताकि हमें सन की कोई कमी ना हो। बाकी संभालने के लिए पपश्रूम तो है ही, तो बढ़िया है। देख अब सब रो में मेरे दो दो लग गए हैं जमीन में, ये बढ़िया है, डिफेंस के लिए काफी अच्छा है। हाँ भैया अब एकदम बढ़िया है, अब आपके सब सनश्रूम लग चुके हैं और ये पपश्रूम लगाते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया भैया। जैसे जैसे आपके लगते जाएंगे, अब आप पीछे पीछे में इस कैक्टस वाले को लगा सकते हैं। ओए देख मैंने एक वॉलनट लगाया है, उसके पीछे में ये रो लगा दिए, सही किया ना मैंने? बिल्कुल भैया एकदम सही चल रहा है। देखिए पानी में एक और लगा दीजिएगा, फिर फॉग वाला भी लगा दीजिएगा भैया, ये फॉग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ज़ॉम्बी आपके प्लांट खाते जा रहा है भैया, ध्यान दीजिए। ओए रुक कवर करता हूँ इन पपश्रूम को, अच्छा है कि जीरो के हैं और जल्दी जल्दी जनरेट भी हो जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। देख एक वॉलनट और एक्टिव हो गया, उसे भी लगा देता हूँ। ह्यूज वेव आने के पहले हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। अब इस फॉग वाले को लगा के देखता हूँ, उससे पहले मेरा जो वॉलनट है उसे लगा लेता हूँ, ये सही किया मैंने। अरे भैया वो फॉग वाला प्लांट लगाएंगे तब तो आपको दिखेगा कि फॉग में क्या चीज़ है, ऐसे में तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि फॉग में क्या है। तो आगे खेलते रहिए भैया, देखते हैं आगे क्या होता है। ओए वो कौन वाला ज़ॉम्बी आ रहा है और हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ओह अब क्या करेंगे मुन्ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओए कहीं ये हमारे घर में तो नहीं घुस जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे पपश्रूम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कहीं कुछ करना पड़ेगा मुन्ना। वो देख मेरे प्लांट को खाता जा रहा है, ओह ओए वो मर तो जाएगा ना, ये गंदा ज़ॉम्बी लग रहा है मुझे, अभी तक काफ़ी डैमेज कर चुका है, बस वो हमारे घर तक ना घुस जाए। ओह वो घुस गया था मुन्ना, अरे बाल बाल बचे हम। अरे अब ये ऊपर से भी आ रहा है, अरे मुन्ना अरे दिक्कत हो जाएगी। ओ बच गए, अरे बच गए इसके मामले में, वरना नीचे वाले जैसा हाल हो जाता। इस बार तो वाकई बहुत दिक्कत हो रही है,
ओ ये फॉग वाला लगाना ही पड़ेगा। चल अच्छा है, एक वॉलनट वाला एक्टिव हो गया है। ओ ये तो बलून वाला भी आ गया। ओ ये कैक्टस वाला प्लांट तो बहुत अच्छा है, नीचे से भी अटैक करता है ऊपर से भी अटैक करता है, बढ़िया है। अभी सभी जगह इसको लगाना चालू करता हूँ, वरना पता चला बलून वाले आ गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हाँ भैया, अब ये भीड़ वाला भी लगा दीजिए, वरना बहुत दिक्कत होगी भैया, ये कोन वाला ज़ॉम्बी हमें बहुत परेशान करेगा। देखिए उसने हमारा लैंप वाला प्लांट खा गया भैया, फिर से फॉग आ गई। ओए रुक जा, मुझे सोचने दे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पानी से भी घुसते जा रहे हैं, अभी पानी में भी कुछ करना पड़ेगा मुझे। हाँ भैया, दो जगह आपके वॉलनट नहीं लगा है, वहाँ वॉलनट लगाने पड़ेंगे, एक तो पानी में और एक ज़मीन में, और ये वीड्स भी लगाने पड़ेंगे भैया, ये बड़े काम के प्लांट है, जैसे जैसे ज़मीन के ऊपर चलते जाते हैं ये उन्हें हर्ट करता जाता है, और जब तक ये हमारे घर तक पहुँचते हैं तब तक ये मर जाते हैं भैया। मेरी मानिए कोई नहीं, वॉलनट के ठीक सामने रख दीजिए भैया, ताकि ज़ॉम्बी जब खड़े होकर उनको खाते हैं तो खाते खाते उनको डैमेज भी हो और जल्दी मर भी जाए भैया। ओए ठीक है, आइडिया बहुत अच्छा है, इसे हम आगे देखेंगे, क्योंकि अभी ह्यूज वेव आने वाली है और मेरे ख्याल से हम तैयार हैं। वाह भैया, आपने फॉग लैंप लगा दिया, उस साइड का तो ठीक है, नीचे भी एक फॉग लैंप लगा दीजिए, वरना समझ में कैसे आएगा भैया। देखिए फाइनल वेव आने वाली है, और देखिए इतने सारे ज़ॉम्बी एक साथ। ओए देख नीचे वाले रो में मेरा जो वॉलनट है बहुत पीछे लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये भीड़ वाले लगा दिए हैं, ताकि ज़ॉम्बी चलते हुए आए और उनको डैमेज होता जाए। हाँ भैया ये काम बहुत अच्छा किया। अब एक काम कीजिए, जहाँ जहाँ कैक्टस नहीं है वहाँ वहाँ कैक्टस लगा दीजिए, वो बहुत काम के प्लांट है भैया। ओए लगता है ह्यूज वेव लगभग ख़त्म हो गई, क्योंकि अब ज़्यादा ज़ॉम्बी मुझे दिख नहीं रहे हैं, और लगभग हम जीत ही गए। हाँ भैया लगभग जीत ही गए हम, देखिए बस ये कोन वाला ज़ॉम्बी है, इसे हराना पड़ेगा, और पानी में एक ज़ॉम्बी है, बस हो गया काम भैया, ये वाला हम जीत गए भैया। और ये देखिए हमें क्या मिला है। ओ ये कौन सा प्लांट है, ये तो कुछ पंखे जैसा लग रहा है, अरे इसका नाम ब्लोअर है। ओके ये हर ज़ॉम्बियों को जो बलून वाले हैं उनको ब्लो करके रख देता है, और साथ में फॉग भी हटाता है। अरे भैया देखिए ये डॉल्फिन वाला ज़ॉम्बी है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हमारे वॉलनट के ऊपर से कूद जाएगा भैया। ओए देखते हैं आगे, टॉलनट तो लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि एक साथ लेने पे दो स्लॉट भर जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। सांस रूम रखता हूँ, पब्स रूम रखता हूँ, ये एक्वा वाला रखता हूँ, उसके बाद एक वॉलनट रखूँगा, ये फॉग वाला रखूँगा लैंप वाला, और उसके बाद देखता हूँ कौन सा प्लांट रखूँ। भैया आपने वॉलनट ही रखा, वॉलनट रख लीजिए। अब देखते हैं, लिली पैड तो ज़रूरी है भैया, लिली पैड भी रख लीजिए, अरे कैक्टस भी रख लीजिए, बड़ा काम का प्लांट है, भले ये ब्लोअर नहीं रखिएगा कोई बात नहीं। ओए मुन्ना देखता हूँ अभी दो स्लॉट बाकी है, दो स्लॉट में कौन कौन से प्लांट रखूँ, एक तो लिली पैड है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको रख लेता हूँ, और उसके अलावा ये वीड वाला रख लेता हूँ, ये वीड वाला मुझे अच्छा लगता है, इसी से मैं काम चलाऊँगा। तो चलो अब इस लेवल को खेलते हैं, देखते हैं भैया ये लेवल हार्ड रहेगा या इजी रहेगा, देखते हैं, ये तो जब प्रोग्रेस बार आएगा तभी समझ में आएगा, तो वैसे ही स्टडीज से काम करते जाते हैं भैया, जैसे जैसे एक्टिवेट हो जाते हैं प्लांट वैसे वैसे हम सनरूम लगाते जाते हैं और पब्सरूम भी लगाते जाते हैं। ओए मुन्ना तू फिक्र मत कर, मैं बिल्कुल वैसे ही खेल रहा हूँ जैसे पहले खेल रहा था, बस अब जैसे ज़ॉम्बियों को आने दे, ये खतरनाक सीरीज है, इसमें भी दो वेव आने वाली है, थोड़ा तैयारी तो करके रखना पड़ेगा। मैंने जितना खेला उससे समझ में आ गया है कि एक जो स्टेज होता है, एक जो लेवल होता है, उसमें दो वेव आती है, उसके बाद वाले में सिंगल वेव आती है। हाँ भैया ये तो है, पहले एक सिंगल वेव वाली आती है, उसके बाद डबल वेव आती है, उसके बाद पांच पांच स्टेज के बाद, यानी कि पांचवें स्टेज में आपको एक बोनस राउंड खेलने को मिलता है जो एकदम डिफरेंट टाइप का होता है भैया। तो जो भी हो अभी गेम में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए अभी लिली पैड आपने लगा दिया है, और अब पानी वाला भी एक लगा दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर सनस्ट्रूम रखिए भैया। ओए रुक, सब एक जैसे एक साथ करता जाता हूँ, तू टेंशन ना ले, एक लिली पैड मैंने लगा दिया, अब जितने भी पब्सरूम मेरे पास आते जाएंगे मैं उन्हें लगाता जाऊँगा, क्योंकि मुझे कम से कम दो रो तो चाहिए ही चाहिए। फिर मेरे पास जैसे जैसे और सर आते जाएंगे वैसे वैसे मैं उनको चेंज करके उनकी जगह कैक्टस रखता जाऊँगा। ध्यान रहे भैया आपको पानी में भी कैक्टस लगाना है,
तो ये काम अच्छा किया भैया, एक लैंप यहाँ लगा दिया, दूसरा भी लैंप लगाइएगा। ओ यहाँ लगाऊंगा, देख वॉलनट भी एक्टिव हो गया है, तो वॉलनट को इसके बगल में रख देता हूँ, फिर बाद में जो एक्टिव होगा उसके उसके सामने रख दूंगा। देख ये ज़ॉम्बी आ रहा है। भैया नीचे भी रखिएगा, जैसा ही जनरेट होगा वैसे ही एक नीचे भी रख दीजिएगा। देखिए सन तो आपके पास आते ही जा रहे हैं ना। ओए हाँ मुन्ना ये तो है सन वाला, अब काम हो चुका है सनस्ट्रोम का, अभी नीचे भी इसे लगा देता हूँ। देखा पूरी जगह से क्रिस्टल क्लियर हो गया, अब कोई ज़ॉम्बी आए तब देखता हूँ मैं। अरे भैया वो तो आपका लैंप वाला खाता जा रहा है भैया, वो बच गए वरना लैंप खत्म हो जाता, उसके आगे एक रख दीजिए भैया, ये बढ़िया है। हाँ मुन्ना अभी सही लग रहा है मुझे, पानी में भी रखता जाता हूँ वरना पानी में दिक्कत हो जाएगी, लिली पैड भी पानी में रखना ही पड़ेगा, जैसे जैसे वो एक्टिव होंगे उन्हें वहाँ लगाता जाऊँगा। तो ये देख अब ये लैंप वाला खा जाएगा, ये दिक्कत हो गई, इसे कम से कम प्रोटेक्ट करके रखना था। अरे मैंने ध्यान नहीं दिया, पर कोई बात नहीं, अब मैं धीरे धीरे ये कैक्टस लगाना चालू करूँगा जो मैंने बहुत देर से नहीं किया था। अब लैंप भी लगा दिया, देख पूरी तरीके से रोशनी हो गई है, एक वॉलनट और एक्टिव हुआ है, इसे भी लगाता हूँ। अब जैसे जैसे मेरे पास और सन आते जाएंगे हर जगह चेंज करके मैं कैक्टस लगता जाऊँगा। हाँ भैया देखिए 70 सन हुए हैं आपके पास में, और कैक्टस के लिए 125 चाहिए, जैसे ही 125 होंगे आप एक जगह का कैक्टस चेंज कर दीजिएगा भैया। ओए पहले ही वीड वाला लगाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे ज़ॉम्बी इनके ऊपर चलेंगे वो हर्ट होते जाएंगे। हाँ भैया ये तो है, देखिए बहुत अच्छे, पर अभी भी आपके पास 3 जगह वॉलनट लगाने के लिए बाकी है भैया, थोड़ा ध्यान दीजिए, पानी में ये एक्वा वाला लगाते जाइए, अब एक और वॉलनट हो गया, क्या बात है पानी में भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन तो आ गया भैया। ओए अब तो देखिए वीड वाले पौधे का कमाल कैसे उस कोन वाले ज़ॉम्बी को हर्ट करता है, देखो जैसे जैसे चल रहा है उसे हर्ट होता जा रहा है। हाँ भैया ये तो है, जैसे जैसे आपके पास सन आते जाएंगे उन्हें लगाते जाइएगा भैया। ओए पहला ह्यूज वेव आने वाला है, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, देखते हैं अगर कोई वॉलनट और एक्टिव हो जाए तो तुरंत मैं सामने लगा दूंगा ताकि ज़ॉम्बी उसे खा ना पाए। अभी मैंने 2 जगह कैक्टस रखे हैं, बाकी जगह भी कैक्टस रखना पड़ेगा। हाँ भैया कहीं ऐसा ना हो कि आपका लैंप वाला फिर से कोई ज़ॉम्बी खा जाए, तो पानी में तो आपने पूरा प्रोटेक्शन लगा दिया, बस ज़मीन में एक जगह आपको और लगाना था भैया। ओए रुक जा देखने दे, अभी तो सब क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे लगाते जाएंगे। अभी मैंने वीड वाला लगा दिया है ताकि जैसे जैसे ही चलते जाए उन्हें हर्ट होता जाए, तो ये सही लग रहा है मुझे। अब इन पफ श्रूम्स को आगे आगे रखते जाता हूँ ताकि वो ज़ॉम्बियों को अच्छा धूम मजा चखा सके। देखिए भैया पानी में भी आपका ये जो एक्टिव हो गया है उसे लगा दीजिए एक्वा वाला। ओए वो डॉल्फिन वाला भी आ गया, अरे बाप रे उसने तो खुद ही भी मार दी। ओहो अब वो कहीं खाना मत चालू कर दे, अरे दिक्कत की बात है एक प्लांट खा गया दूसरे तक भी पहुंच रहा है वो, अरे मर जा मर गया। अरे वाह भैया बहुत बढ़िया, अब कैक्टस हर जगह लगाते जाइए, दूसरे ह्यूज वेव के पहले सब जगह आपके कैक्टस होने चाहिए भैया, क्योंकि कभी भी किसी हीरो से भी बलून वाले आ जाएंगे, और अगर बलून वाले आ गए तो आपके घर में सीधे घुस जाएंगे भैया, इसके लिए कैक्टस तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। बहुत बढ़िया भैया, बस जो खाली जगह है वहाँ पर भी प्लांट लगाते जाइए, वरना बहुत दिक्कत होगी भैया, अभी तो आपका वॉलनट भी एक्टिव है, तो एक जगह हटा के आप वॉलनट भी लगा सकते हैं। ओए पानी के रास्ते भी वो बलून वाला आ सकता है ना, तो पानी में भी मुझे कैक्टस लगाने पड़ेंगे। देख जहाँ जहाँ से ये आते जा रहे हैं वहाँ तो कैक्टस संभाल ले रहा है, पर जहाँ से नहीं आ पाएंगे वहाँ कैसे करेंगे, यानी अगर उसने पानी से घुसने की कोशिश की तो हमारे पास कैक्टस नहीं है, तो इसके लिए मैं तैयारी कर लेता हूँ, लिली पैड लग लेता हूँ वहाँ पर, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे वैसे ही कैक्टस लगा दूंगा। हाँ भैया ये काम जरूर करिएगा, क्योंकि पता नहीं वो बलून वाला किस रास्ते से आ जाए भैया, वो पानी से भी आ सकता है, तो तैयार रहिएगा। ओए हाँ ठीक है उसी की तैयारी कर रहा हूँ, बस मेरे पास पैसे आ जाए कैक्टस खरीदने के, बस उसके बाद मैं लगा दूंगा। वैसे मुझे पर्सनली ये वीड वाला बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ज़ॉम्बियों को अच्छा हर्ट करता है जैसे जैसे ज़ॉम्बी उसके ऊपर चलते हैं। हाँ भैया ये तो है, देखिए अब कुछ ही देर बाकी है भैया कि अगर दूसरा ह्यूज वेव आएगा, तब तक के लिए आपका एक वॉलनट तो खत्म हो गया है भैया,
दूसरा चेंज करना पड़ेगा भैया, वरना पता चला आपका ह्यूज वेव संभाल नहीं पाए भैया। देखिए डॉल्फिन वाला तो ऐसे ही घुस गया है, और अच्छा हुआ हमारे पास कैक्टस भी है तो दिक्कत नहीं है। ओए रुक, एक वॉलेट चेंज करना पड़ेगा, मेरे पास एक्टिव है। अरे देख ये बलून वाला आ रहा है, पानी में जल्दी से रखना पड़ेगा। वो बाल बाल बच गए, अच्छा हुआ टाइम से हमने वहाँ पर रख दिया, वरना वो पानी के रास्ते घुस जाता। अभी तो ह्यूज वेव आई भी नहीं थी और इसने एंट्री करनी चालू कर दी, पता नहीं ह्यूज वेव में कितने आएंगे। हाँ भैया ये तो है, पर अब आपके हर रो में एक कैक्टस रख गया, तो इसका मतलब है किसी भी रो से कोई बलून वाला आ जाए भैया, अब आराम से संभाल लेंगे। तो ये सेटअप काफी अच्छा है भैया। ओए हाँ मुन्ना, ये गजब का सेटअप है। देख मैंने हर जगह वीड लगा दिए हैं ताकि जो भी चले इसके ऊपर उसे हर्ट हो, और ह्यूज वेव आ भी गई और इसके लिए लगभग मैं तैयार हूँ। मुझे लगता है हर रो में मेरे कैक्टस लग गए हैं, हर रो में एक वॉलनट है, और बलून को संभालने के लिए कैक्टस तो है ही, कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे। और जहाँ भी हो सके वहाँ पर ये मैंने वीड लगा दी है ताकि जितने भी ज़ॉम्बी इसके ऊपर चले वो हर्ट होकर ख़त्म हो जाएं। हाँ भैया बढ़िया है, लगता है ह्यूज वेव को आराम से संभाल लेंगे। अब ज़्यादा ज़ॉम्बी बाकी नहीं है, केवल पानी में है, पानी में वो भी खूब सारे हैं भैया, बस हमारा वॉलनट उन्हें संभाल ले, बाकी सब ठीक है भैया। ओए हाँ मुन्ना, बस वो जो कोन वाला ज़ॉम्बी है वो मर जाए, बस बाकी हो जाएगा, उसके बाद तो ईजी है। वहाँ का वॉलनट भी लगभग ख़त्म हो गया है, लेकिन अब केवल दो ही ज़ॉम्बी बाकी है, और ये सिंगल ज़ॉम्बी बाकी है। बस हमारा वॉलनट ख़त्म हो गया था लेकिन हमने जीत हासिल कर ली। ओए ये क्या मिला है, ये तो टैको है, टैको से हम क्या करेंगे भैया? ये क्रेजी डेव का टैको है, उसके लिए वो हमें पैसे देगा भैया। देखिए 1000 कॉइन दे रहा है, उसके बदले हम इसके जो शॉप है इसमें से कुछ ना कुछ खरीदेंगे भैया। देखते हैं क्या खरीद सकते हैं, एक स्लॉट तो हमने खरीद लिया था, और 9वें स्लॉट के लिए 20,000 कॉइन की ज़रूरत है। तो एक काम करते हैं, 5,000 के हमारे पास दो हैं, उसमें से किसी एक को पिक कर लेते हैं भैया। मुझे लगता है कि इसे हमें ये वाला लेना चाहिए भैया, जो 4 पीस एक साथ छोड़ते हैं, आगे के लेवल में काम आएंगे। ये देखिए 5वां और मास्टर लेवल चालू हो गया, जिसमें आपको ये वॉज फोड़ने हैं भैया। जब भी आप इन वॉजेस को फोड़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ मिलेगी इसमें से, वो ज़ॉम्बी भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है। तो अगर प्लांट मिला तो उसे आपको कहीं ना कहीं लगाना होगा, जैसे कि ये, जैसे ही उस पर टैप करेंगे वो कुछ ना कुछ आपको ड्रॉप करेगा भैया, फिर उसे टैप करके आप कहीं भी लगा सकते हैं। ये बढ़िया है, ऐसा ही करके आपको हर वॉज को फोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही 2-3 लेवल आएंगे भैया, तब आपको समझ में आएगा किसे कैसा खेलना है। ओ ये क्या, ये तो ज़ॉम्बी है, यहाँ भी ज़ॉम्बी है। ओह अभी इसे रख कर फोड़ता हूँ, तो ये तो गया। अरे इसे भी है, यहाँ भी एक ज़ॉम्बी को मारता हूँ। पता नहीं और मटकियों में क्या क्या है। अरे वाह ये तो प्लांट मिला, इसे भी रख लेते हैं, ये भी काम का है, इसे भी रख लेंगे। ये एक और लगा देते हैं यहाँ पर, और इसे फोड़ने पर एक और मिला है कद्दू, इस कद्दू को यहाँ यूज़ करते हैं। और देखते हैं एक और कद्दू मिला, एक और मिला है, इसको भी मारते हैं। बढ़िया है, इसमें भी एक प्लांट मिला है, इसको भी यहाँ लगा देते हैं। और आखिरी में एक ज़ॉम्बी है, बाप रे। पर अच्छा हुआ हमने उसे एक ही बार में मार दिया। अब क्रेजी डेव क्या बोलता है, अभी और लेवल है, चलो उसे भी खेलते हैं। भैया ये हरे वाले जो आवाज है वो सेफ है भैया, उसमें हमको पता है, कम से कम उसमें तो कम से कम प्लांट होंगे भैया, उसके बाद हम देख सकते हैं बाकी को फोड़ के। तो देखिए जैसे जैसे हम इन्हें फोड़ते जा रहे हैं हमें प्लांट मिलते जा रहे हैं, बस इन्हें लगाते जाएंगे भैया। देखिए अब दूसरे रो में चालू करते हैं, ये भी प्लांट है भैया, लगा देते हैं। ये देखिए शाम भी आना चालू हो गए हैं, तो ये एक और प्लांट मिला है, इसे भी लगा देते हैं। ओए क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे यहाँ तो ज़ॉम्बी है, इसे मजा चखाने के लिए इसे यहाँ रख देते हैं, फिर इसे भी इस रो में रख देंगे। अरे एक और कद्दू मिला, इसे भी रख देते हैं, अभी इसे फोड़ के देखते हैं। ओ ये तो बाल्टी वाला ज़ॉम्बी है, ओह लगातार आते जा रहे हैं, ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। अब एक रो में 3-3 ज़ॉम्बी हो गए हैं, ये दिक्कत की बात है। अब बस आखिरी वाले बाकी है भैया, बस इसमें प्लांट मिलते जाए, बस इसी की खैर बनाई है भैया। ये देखिए, अरे ये तो स्पोर्ट्स वाला ज़ॉम्बी है, लेकिन कोई बात नहीं भैया, अभी ऊपर एक बाल्टी वाला ज़ॉम्बी है और स्पोर्ट्स वाला ज़ॉम्बी है, हमारे पास कद्दू है, कम से कम उससे बच जाएंगे भैया। देखिए दोनों मरने का नाम ही नहीं ले रहे भैया,
लेकिन जैसे ही कद्दू के पास जाएंगे उन लोग मर जाएंगे भैया, मुझे मालूम है। ओए हाँ मुझे मालूम है, देख एक तो मर भी गया, अब ये बाल्टी वाला मर जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ओए देख ये लेवल भी क्रॉस हो गया, अब क्या? अरे बाप रे इतने सारे बॉस एक साथ, अब दिक्कत होगी। भैया एक एक करके धीरे धीरे फोड़िएगा भैया, कोई भरोसा नहीं किस में क्या निकल जाए। ओए हाँ तू टेंशन ना ले, अरे ये क्या, ये तो डांस वाला ज़ॉम्बी है, ये सबसे खतरनाक है क्योंकि अपने साथ साथ चार ज़ॉम्बियों को और निकालता है। अरे भैया ये तो बहुत डेंजरस ज़ॉम्बी है, देखिए कितनी भीड़ को अपने साथ लाता है, ये हिप्नोटाइज वाला मिला है भैया, इसे यहीं रख देते हैं ताकि हमारे काम आए। बस ये लेवल भी लगभग खत्म होने वाला है भैया, कुछ ही बॉस बाकी हैं, एक एक करके फोड़ते हैं, पर ये डांस वाला तो खत्म ही नहीं हो रहा है भैया। और ऊपर से ये बकेट वाला आ गया, बाप रे देखना पड़ेगा, इस बकेट वाले को पीछे भेजना पड़ेगा भैया, ये तो अति ही हो गई। अब डांस वाले का कुछ करना पड़ेगा भैया, मैंने उसके दोस्त को एक खिला दिया है भैया हिप्नोटाइज वाला, वो उसी से लड़कर मर जाएगा। ओ ये क्या, उसने तो और स्पॉन कर लिए, बड़ा दिक्कत वाला ज़ॉम्बी है, मरता भी नहीं है। हाँ भैया हम बच जाएं, बस यही दुआ कीजिए। अरे बाप रे एकदम टाइम से आया भैया, अगर ये टाइम से नहीं आता तो हमारा हालत ख़राब हो जाता भैया, और हमारा ज़ॉम्बी कुछ नहीं कर पाता। बस मुंडा लगभग ख़त्म हो गया, बढ़िया है, अब केवल 5 वॉस बाकी है, इन्हें जल्दी जल्दी तोड़ते हैं, और अभी तक तो बहुत सही खेल रहे हैं हम लोग। अब कम से कम 4 ऐसे ज़ॉम्बी हैं जो हमारे साथ में हैं, और कोई भी आया तो उससे लड़ेंगे वो। ओ नो ये तो बकेट हेड वाला है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, होपफुली कि हम जीत जाएं, वरना बकेट वाले को हराना बहुत मुश्किल होगा। हाँ भैया बाकी सब तो निकल गए, बस यही बाकी है, 2 ही ज़ॉम्बी बाकी है, एक तो हिप्नोटाइज हो जाएगा लगता है, पर दूसरे का क्या होगा ये नहीं पता। ओ ये भी ख़त्म हो जाता तो काम किस्सा ख़त्म हो जाता, मरता भी नहीं है, देखो कितनी सारी इसको एक साथ पीस लग रही है लेकिन इसमें असर ही नहीं हो रहा। वाह भैया अब जाके उसका बाल्टी गिरा है, देखिए आखिरकार वो मर जाएगा भैया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, हमको एक नया प्लांट मिला है जो आगे पीछे दोनों तरीके से फायरिंग करता है भैया। तो भैया ये था वीडियो, होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, थैंक यू।